गिरिडीह मधुपुर पैसेंजर ट्रेन से गांडे के गोंदली टांड में गिरकर गुरुवार को एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान जसीडी के सिंघो टोला निवासी करीब 22 वर्षीय संतोष किस्कू पिता भैया किस्कू के रूप में हुई है। सूचना पर गांडे पुलिस घटनास्थल पर सदल बल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार गांडे थाना क्षेत्र के गोंदली टांड गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार को गिरिडीह मधुपुर रेल खंड के पास एक शव देखा। हो हल्ला पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया गया कि ग्रामीणों ने मृतक के जेब से मिले क्षतिग्रस्त मोबाइल की सिम को किसी के मोबाइल में डालकर उसके परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना पर मृतक का भाई रविलाल किस्कू घटनास्थल पहुंचा और शव की शिनाख्त की। बताया कि उसका भाई संतोष किस्कू बुधवार को कपड़ा खरीदने के लिए घर से निकला था। वह जसीडी से गिरिडीह क्यों जा रहा था इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। इधर सूचना पर आरपीएफ के एएस खान व शिव कुमार व गांडे थाना से राकेश रंजन घटनास्थल पर पहुंचे। इसके उपरांत गांडे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जसीडी? हाँ, जसीडी थाना। अच्छा, राजा कहाँ जा रहा था ये? कल ही में निकला है, लगभग ये 10-11 बजे के आसपास में वो कपड़ा लेने के लिए। अच्छा, तो ये को पता नहीं है कहाँ से कहाँ जाएगा। आजकल लड़का लोग तो मालूम है होने रहता है कहाँ से कहाँ जाएगा। शाम को घर में पूछा आया नहीं आया, तो बोला ठीक है, आजकल तो फुटबॉल खेलता है लड़का लोग, इधर उधर जाते होगा किधर, तो इसीलिए हम लोग बोले चलो। फिर सुबह उठ गया, उठने के बाद में खाना खाने के बाद फिर ड्यूटी निकल गया। अरे ड्यूटी निकलने के बाद अभी ड्यूटी गया उधर जाके तो हमको पता मिला, ये फोन उस फोन किया ऐसा ऐसा हो गया उधर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रविलाल किस्कू। और उसका नाम, मृतक का नाम? उसका नाम है संतोष किस्कू। आप फोन करके पब्लिक ने हमको बताया तो इधर आए।